अनुपम जैन ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री, इज एक्सेप्टेंस ए बाई प्रोडक्ट ऑफ फेथ आर डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। आई कंटिन्यू टू स्ट्रगल विद एक्सेप्टेंस स्पेशली व्हेन हेल्थ इश्यूज अराइज। अनुपम कहते हैं कि जो स्वीकार है वो श्रद्धा का बाई प्रोडक्ट है, उप उत्पाद है या समझ का। कहते हैं कि जब स्वास्थ्य की समस्याएं आती हैं तब इसमें काफ़ी संघर्ष हो जाता है। अनुपम श्रद्धा भी समझ का ही बाई प्रोडक्ट है। अंडरस्टैंडिंग सुप्रीम है, अल्टीमेट है। ये जो फेथ है, श्रद्धा है, ये भी उसी से उत्पन्न होती है और स्वीकार भी उस समझ से ही आता है। श्रद्धा से स्वीकार नहीं कि हम श्रद्धा करें कि भाई ठीक है, हमने स्वीकार कर लिया इतनी श्रद्धा में, वो उस स्ट्रगल में ले जाएगा। जो तुमने लिखा है ना कि स्वास्थ्य के इशूज आते हैं तो बड़ा स्ट्रगल हो जाता है, इसलिए हो जाता है क्योंकि श्रद्धा से अगर हमने स्वीकार को देखा तो हमको लगेगा कि भाई सब ठीक होना चाहिए, अस्तित्व सब ठीक करेगा। श्रद्धा तो यही कह रही है, श्रद्धा होती ही इसलिए क्योंकि सब ठीक हो जाए। लोग ईश्वर में, गुरु में, यहाँ वहाँ श्रद्धा क्यों करते हैं, फेथ क्यों करते हैं? जैसे फेथ हीलिंग भी एक कॉन्सेप्ट है, तो क्यों होता है? क्योंकि उससे हम कुछ पाना चाहते हैं। समझ एक ऐसी चीज़ है जिससे हम कुछ पाना नहीं चाहते, वो अपने आप में उपलब्धि है। समझ एक स्पष्टता है, क्लैरिटी है, सुप्रीम अंडरस्टैंडिंग, वो अपने आप में पर्याप्त है, उससे हम कुछ पाना नहीं चाहते। तो उस समझ से फिर श्रद्धा घटती है, यानी कि जीवन में एक आस्था ऐसी आती कि ठीक है। ये एक ड्यूअलिटी का, द्वैत का नृत्य है। स्वास्थ्य अस्वास्थ्य भी चलता है, जैसे लहरें उठने गिरने की बात है। जीवन के महाराष्ट्र में ये तो चलेगा ही, कुछ नरम कुछ गर्म, कुछ ऊपर कुछ नीचे, ये सब चलेगा। स्वीकार आएगा इस बात से कि हम इस सारे बदलाव को भी जब स्वीकार करते, देख करके हम जानते कि ऐसा है, ऐसा हो सकता है, हम उससे विपरीत की आकांक्षा नहीं कर रहे हैं, तो वो स्वीकार बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव हो जाता है, बड़ा रूपांतरणकारी हो जाता है। समझ से आए हुए स्वीकार में रूपांतरण का सारा मार्ग खुल जाता है। तो अपने अस्वास्थ्य में जब अगली बार कोई हेल्थ इश्यू है तो ऐसा नहीं कि उसको ठीक नहीं करना है, ऐसा नहीं उसके लिए चिकित्सा नहीं करनी, सब करना है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग ये कि ये जीवन का चक्र है घूमता हुआ। क्यों नहीं पूछना है कि क्यों ऐसा है? क्यों का कोई अर्थ नहीं होता, है ऐसा, होता है, क्योंकि ये हमेशा ड्यूअलिटी पे बेस रहेगी जिंदगी, प्लेजर और पेन पर, पीड़ा और सुख पर आधारित रहेगी जिंदगी, स्वास्थ्य और अस्वास्थ्य पर आधारित रहेगी जिंदगी। ये समझ, इस समझ से स्वीकार आ जाता है। क्योंकि आस्था में, श्रद्धा में हम कई बार हटाना चाहते हैं कि नहीं नहीं हमको ये नहीं चाहिए, तो और समझ कहती है कि द्वैत का नृत्य चलता है। चाहे वो कोई बहुत बड़ा संत हो, चाहे कोई सामान्य व्यक्ति हो, सभी के जीवन में वो चक्र घूमेगा, घूमता भी है। कभी किसी के लिए थोड़ा ज़्यादा दूर तक चल जाता है, कभी किसी के लिए थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाता है, बहुत सारे कारण उसके हो सकते हैं। तो अपनी समझ को स्पष्ट करो, उसको क्लियर करो, जितना ज़्यादा उसमें स्पष्टता आएगी अनुपम, स्वीकार स्पष्ट होगा, आस्था श्रद्धा स्पष्ट होगी, और यकीन मानो वहीं से रूपांतरण और चमत्कार के रास्ते भी खुलेंगे। वो चमत्कार नहीं जो हम अपनी काल्पनिकता में बुनते हैं, जीवन के रियल मिरेकल्स। रियल मिरेकल्स वो कि जब तुम अस्वस्थ हो और फिर भी शांत हो, जब तुम पीड़ा में हो फिर भी तुम अपने भीतर उस शांति को कहीं ना कहीं तलाश लेते हो, तुम अपने भीतर के उस प्रेम को खोते नहीं हो अपनी गिरती हुई लहर में भी, और अपनी उठती हुई लहर में भी तुम अपने
उस हम्बलनेस, उस विनम्रता को खोते नहीं हो, वही समझ है, वही आस्था है। तो स्पष्ट होते रहो।